नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। चुनावी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा क्षेत्र पट्टी के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह के समर्थन में शहीद स्थल रूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे तमंचा वाली सरकार, पुलिस को बेइज्जत करने वाली सरकार नहीं, बल्कि ऐसी सरकार चाहिए जिन्होंने सरदार पटेल व सोनेलाल पटेल को सम्मान देने का कार्य किया। ये कार्य मोदी और योगी जी ने ही किया। उन्होंने भाजपा सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हम इन्हीं योजनाओं के बीच जा रहे हैं, हमें विशाल जन समर्थन मिल रहा है और 300 का आंकड़ा पार करते हुए प्रदेश में कमल खिला रहे हैं। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख मंगरूरा राजीव प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा कमला कांत यादव, ब्लॉक प्रमुख बाबा बेलखर नाथ धाम सुशील सिंह, वंश बहादुर सिंह सहित हजारों लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण गरीब कल्याण के लिए, मोदी जी ने जो 7 साल में काम किया है और राज्य के अंदर योगी जी ने जो 5 साल में किया है, वो जनता जनार्दन के बीच में हम लेकर जा रहे हैं और उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। गुंडागर्दी समाप्त है, भ्रष्टाचार समाप्त है, गरीब तक आवास पहुंच रहा है, शौचालय पहुंच रहा है, आयुष्मान का कार्ड पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री बीमा योजना पहुंच रहा है, गांव में जूता मोजा पहुंच रहे हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई शिक्षा उनका हो रहा है, मिड डे मील मिल रहा, जन्म से लेकर शादी तक बेटियों का सम्मान हो रहा है, उनकी चिंता की जा रही है। तो एक तरह का गाँव गरीब किसान खुशहाल है और एक सबसे बड़ी बात है कानून का राज्य, शांति है, लोग एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं, आज कम से कम राज्य के अंदर शांति है। तो आदरणीय मोदी जी योगी के प्रति लोगों का विश्वास है और यहाँ तो आदरणीय मोदी सिंह जी स्वयं लोकप्रिय नेता हैं और कई बार से विधायक हैं, मंत्री हैं, इसलिए सीट और राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफा बना रहे हैं और गरीबों की सरकार बनाते हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए। सर, विपक्ष इस समय कर्नाटक के हिजाब के मुद्दे को बार बार उठाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो विद्यालय का अपना विद्यालय का जो गाइडलाइन हो ना, उन विद्यालयों के गाइडलाइन के लोगों को पालन करना चाहिए। दूसरी बात, कोर्ट ने भी निर्णय दिया है तो फिर व्यक्तिगत मत नहीं रह सकता है, तो जो कोर्ट निर्णय करता है तो उसका पालन करिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लेकर आ रही भाजपा? 300 प्लस के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और गरीबों की सेवा करने का हम लोग व्रत लिए हैं। जो पहले कहा वो किया, सभी काम 95% हम लोग काम कर चुके हैं। अब आज जो कह रहा हूँ वह आगे हम पूरा करेंगे। एक ही काम है, जनता जनार्दन की सेवा करना, माननीय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का ही हम सबका व्रत है। बहुत बहुत धन्यवाद।